नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो प्लांट है वो इस टाइम में उगने वाले जितने पौधे वीडियो में बताए जा सकेंगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उसके अलावा भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जिसमें इस तरह से फ्लावरिंग हो रही होगी, उन सभी को भी आप इस मौसम में उगा सकते हैं। लेकिन चलो, मैंने तो वीडियो बनाना है, कुछ प्लांट्स तो आपको दिखाऊंगी जिनमें कि अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और इसकी कटिंग भी अब इस मौसम में आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोगों को अच्छा लगता है जिनके भी गार्डन में है, ये है हिबिस्कस के पौधे, जिसे कि हिंदी भाषा में गुड़हल बोलते हैं। और आपका गार्डन इस पौधे के बगैर अधूरा है, क्योंकि एक तो इतना सुंदर प्लांट और दूसरा इतने बड़े बड़े फ्लावर, तो ये तो आपके गार्डन में देखो जरूर होना चाहिए। और इसमें दोस्तों सारा साल भर फूल आते रहते हैं और अच्छी कटाई छटाई के साथ आप इसकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो और उन कटी हुई स्टेम से आप नए नए प्लांट्स भी उगा सकते हो। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये, तो ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए, एवरग्रीन पौधा है। सेकंड है जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम इस पे जबरदस्त फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, ये है दोस्तों येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट, जिनको की टिकोमा स्टेंस बोलते हैं और नर्सरी वाले इसको गोरी चोरी बोलते हैं। तो ये पौधा भी आपका लगाना बनता है। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी आती है तो ठीक है, नहीं है तो आप नर्सरी से इसको परचेज कर सकते हैं, बड़े आराम से नर्सरी पे मिल जाते हैं। और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, जैसा कि आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि गार्डन में कैसा लगेगा ये। और जितने भी प्लांट मैं आपको बताऊंगी, कोई खास उनकी देखरेख की भी जरूरत नहीं है, कोई खास देखभाल भी नहीं है, लेकिन हाँ अपने टाइम पे आपको फूल जरूर देते रहेंगे और आपका गार्डन ऐसे ही हरा भरा और फूलों से भरा बना रहेगा इन प्लांट्स को लगाने के बाद। तो इसको भी आप बड़े आराम से कटिंग से उगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है भी, वो भी बड़ा रफ एंड टफ प्लांट है, जो है बोगनविला। अब ये आपका अपना मन है, आप इसको बेल की तरह बनाओ या आप इसको एज ए प्लांट बनाओ। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम एंट्रेंस पे रख देते हैं, बालकनी में रख देते हैं इसको, तो फिर हमें इसकी कटाई छटाई करनी होती है एक एज ए मतलब प्लांट रखने के लिए कि उस पर फ्लावरिंग होती रहे, छोटी सी शेप दे के रखते हैं हम। और अगर आपने इसकी बेल चढ़ानी है तो भी आप इसको हैंग करके या किसी भी डायरेक्शन में मूव करके इसकी बेल भी बना सकते हो। और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, बहुत कलर में आता है और कहीं भी रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कोई खास केयर भी नहीं मांगते और बिल्कुल ऐसे प्लांट है कि गर्मी हो सर्दी हो हर मौसम को ये बर्दाश्त कर लेंगे और आपको दोबारा से उगाना भी नहीं पड़ेगा इनको। लेकिन हाँ, अगर आपने इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है भी मेरा फेवरेट प्लांट, बहुत रफ एंड टफ प्लांट बता रही हूँ मैं आपको। अगर इनमें से कोई भी पौधा आपके पास नहीं है तो आपको जरूर लगाना चाहिए, और अगर आपके पास आसपास में ये पौधे हैं तो उसकी कटिंग से भी आप ये प्लांट लगा सकते हो। तो ये है दोस्तों ओलियंडर के प्लांट, जिनको कि आम भाषा में कनेर बोलते हैं। और इसके प्लांट भी आपको बहुत वैरायटी में मिलेंगे, देसी कनेर पे भी मेरे बहुत फूल आते हैं डेली, और ये हाइब्रिड वाले हैं इन पे भी खूब आते हैं। इन दोनों ही वैरायटी को आप कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगा सकते हो और फ्लावरिंग तो बेस में सारा साल भर होती रहती है, रुक रुक के जैसे एक पूरा बंच खिल जाएगा खत्म हो जाएगा, फिर आप वहां से उसकी प्रूनिंग कर दो और ब्रांचें निकलेंगी और बंच बनेंगे, तो ऐसे इसकी प्रोसेस सारा साल भर चलती रहती है। और हैं ये सुंदर रूपा के प्लांट हैं, ये मैक्सिकन पेटूनियाज हैं और एक्जोरा के प्लांट हैं, इसके साथ साथ यहाँ हिबिस्कस भी लगे हुए हैं, बोगनविला भी लगी हुई है। तो सारे के सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको कि आप एवरग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो और इनमें फ्लावरिंग भी हमेशा ही होती रहती है। तो चलो बात कर लेते हैं इनमें से एक पे, मैक्सिकन पेटूनिया पे, क्योंकि इसके फूल अब खूब खिल रहे हैं गार्डन में और अच्छे भी लगते हैं। और पर्पल कलर दोस्तों देखो कितना सुंदर लग रहा है, सभी कलर के साथ मैच हो जाता है ये, किसी भी रंग के फूल हो आपके इसके साथ मिक्स मैच होके बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए और ये कटिंग से भी बड़े आराम से उग जाते हैं। और एक बार अगर आपने इसको उगा लिया तो वैसे इसके सीड पॉड गिर गिर के अपने आप ही बहुत सारे प्लांट निकल आएंगे, तो इसको उगाना भी नहीं पड़ेगा। और ये है इसकी ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी में भी इसके तीन चार कलर आते हैं, तो इसको भी आप कटिंग के जरिए भी उगा सकते हो, इनमें भी सीड पॉड बनते हैं और नए नए प्लांट इसके निकलते रहते हैं। और ज्यादा ही जल्दी है उगाने की तो भी आप कटिंग काट के लाके इसके पौधों को बड़े आराम से उगा सकते हो।
तो ये सारे के सारे ऐसे पौधे हैं कि गर्मी हो सर्दी हो आपके कहीं भी खराब नहीं होंगे, एक बार लगाए और छुट्टी। फिर आप इनकी प्रूनिंग करते रहो, नए नए प्लांट्स बनाते रहो, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा नहीं ग्रो करने पड़ेंगे ये। ये अपने आप से ही सीड पॉड गिरा गिरा के और पौधे बना लेंगे अपने, और वैसे कटिंग के जरिए भी आप इसको बड़े आराम से उगा सकते हो। और नेक्स्ट है भी फूलों का राजा, जो कि है रोज प्लांट। इसमें से देसी रोज जो होते हैं वो हमेशा ही रहने वाले होते हैं, वो हमारे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। सर्दी तो वैसे ही इनको अच्छी लगती है, उसको तो क्या बर्दाश्त करेंगे ये, लेकिन जो हमारे यहाँ इतनी हॉट समर्स होती हैं तो उसको ये बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, जो लू चलती है। हाँ, फूल का साइज भले ही थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन फिर भी गर्मियों में भी फूल खिलते रहते हैं। और देसी रोज इसलिए भी दोस्तों क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो वाकई में ही मजा आ जाता है कि हमारे गार्डन में अगर रोज के प्लांट लगे हुए हों और जब भी इसके फूल खिलते हैं बहुत अच्छी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मधुमक्खियों को जो भंवरे होते हैं या फूलों पे बैठने वाले जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये। और जब इसका फूल खिलता है देसी रोज का दोस्तों, तो बहुत गार्डन आपका महक जाता है। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए, इसको भी आप बड़े आराम से कटिंग के जरिए उगा सकते हो। और जो अभी आगे आने वाला मौसम चलेगा वो तो कटिंग के लिए बहुत एप्रोप्रिएट होगा, और आप किसी भी तरह की कटिंग इस मौसम में उगा सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कि बार बार चेंज नहीं करना होता, कुछ लोगों का मन होता है सर्दियों के उगाएंगे, तो कुछ होते हैं एक बार लगा दिए लगा दिए। तो जितने भी मैंने आपको ये पौधे बताए हैं ना, इनको बड़े आराम से आप इस तरह की कटिंग ले लेके इनको उगा सकते हो। अगर आपके पास खुद से है प्लांट तो उनकी भी प्रूनिंग करके आप नए नए प्लांट बना सकते हो। और नहीं, अगर आपके आसपास इस तरह के पौधे लगे हुए हैं तो ऐसी कटिंग लाला के आप अपने आप से इनको ग्रो कर सकते हो। आपकी कटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि ये कटिंग ग्रोइंग सीजन चल रहा है, तो किसी भी तरीके की आप इस टाइम कटिंग लगा दोगे तो वो जरूर जरूर चलेगी। बस बात इस ध्यान का रखना है कि के उसमें जहां भी आप कटिंग लगा रहे हो उस मीडियम में मॉइस्चर की कमी ना हो, और दूसरा ऐसा मीडियम बनाना है आपने जो सॉफ्ट हो, जब जड़े बने तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो फैलने के लिए। तो ऐसा पोरस सा आपने मीडियम बना के इन कटिंग्स को उगाना है। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जितने भी पौधे बताए हैं शायद आपके पास होंगे, जो भी नहीं है तो आप ट्राई करो उसको लगाने की, और बहुत आराम से आप कटिंग लगा लोगे। और कटिंग से दोस्तों बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं, और आप अपने गार्डन में भी और प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए से टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो किसी भी तरीके से लाइक जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर करके रखा करो। थैंक यू।